दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो करते हैं। यह बात अधिकांश लोग जानते ही हैं, लेकिन कभी आपकी नजर प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड्स पर पड़ी है? उनके हाथ में एक सूटकेस होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने पतले सूटकेस में आखिर होता क्या है? काला ब्रीफकेस क्यों एसपीजी की टीम अपने साथ रखती है? अगर आपको लगता है कि उस ब्रीफकेस में जरूर दस्तावेज या फिर फाइलें हैं तो आप गलत हैं। हम जानते हैं कि एसपीजी की सुरक्षा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सहित विदेश से आए विशेष मेहमानों को मिलती है। ये सभी कमांडो आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। एक कमांडो कमाल के फुर्तीले होते हैं। एसपीजी का गठन 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद एसपीजी को नए सिरे से तैयार किया गया था। सोशल मीडिया पर यह अफवाह है कि अमेरिका और रशिया के राष्ट्रपति के साथ ऐसा ही ब्रीफकेस चलता है और इसमें हर समय न्यूक्लियर कंट्रोल के कोड्स रहते हैं। कहा जाता है कि यह न्यूक्लियर ब्रीफकेस है। खैर बातें जो भी हो, आपको बता दें कि यह ब्रीफकेस एक पोर्टेबल बुलेटप्रूफ शील्ड है। यह पोर्टेबल बुलेटप्रूफ शील्ड ब्रीफकेस खोलते ही ढाल के समान काम करने लगती है और यह व्यक्तियों को सुरक्षा देती है। यह ब्रीफकेस में एक गन भी होता है जो सुरक्षा के काम में आता है। किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना करने के लिए इस ब्रीफकेस को खोलकर ढाल बना लिया जाता है, क्योंकि अब बुलेट प्रूफ होता है। ब्रीफकेस के साथ ही आपने देखा होगा कि एसपीजी कमांडो ड्यूटी पर हमेशा काले चश्मे लगाकर रखते हैं। दरअसल जब भी कमांडो प्रधानमंत्री के साथ चल रहे होते हैं या फिर खड़े रहते हैं तो उनकी निगाह हर तरफ दौड़ रही होती है, इस बात का किसी व्यक्ति को पता ना चले कि वह किसको और कहां देख रहे हैं, इसलिए बॉडीगार्ड काला चश्मा पहनते हैं। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। हां, वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।